हे गाइस, विंटर्स आ चुके हैं। विंटर्स आते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, गर्ल्स या बॉयज दोनों। ये परेशान हो जाते हैं सोच सोच के कि विंटर्स आ चुके हैं, अपने चेहरे पे क्या अप्लाई करें। तरह तरह लाइक बस विंटर्स आने की देरी नहीं होती है, मॉइस्चराइजर सर्च करने लगते हैं, मॉइस्चराइजर खरीदने लगते हैं, ऑयल खरीदने लगते हैं कि किसी तरह उनकी स्किन ड्राई ना हो, उनकी स्किन फटे ना और उनके चेहरे से ग्लो हटे ना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहने के साथ साथ आपकी स्किन ब्राइट भी रहेगी, साथ ही आपकी स्किन निखरते जाएगी और एंटी एजिंग भी आपकी स्किन में बहुत स्लो हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर फैमिली। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्क्रीम जो आपके बजट फ्रेंडली है, मतलब मात्र 50 रुपए में आपको ऐसा मॉइस्चराइजर मिलने वाला है विंटर में जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगी, साथ ही आपकी स्किन को दिन भर दिन निखारेगी भी। और आप इसे लगाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जरूर पूछेंगे कि आप अपने चेहरे पे क्या अप्लाई करते हो। चलो मैं आपके साथ फटाफट वो नाइट क्रीम शेयर कर लेती हूँ, उसको बनाने का तरीका। इस नाइट क्रीम को बनाने के लिए मैं 3 चीजें ले रही हूँ। वो है पहला विटामिन ई कैप्सूल, आपको आराम से किसी भी मेडिकल में ये मिल जाएगा और बहुत सारे घर में तो ये होता ही है, विटामिन ई कैप्सूल ग्रीन वाला। दूसरा एलोवेरा, ऑब्वियसली ये भी आपके पास तो होगा ही होगा। तीसरा ये ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन भी सबके पास होगा, नहीं होगा तो आप जाके मेडिकल से परचेज कर लेना गाइस। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, यस, जो कमाल कर सकते हैं वो शायद कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं करेगी, ठीक है ना गाइस। बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं, बहुत सारे ऐसे विंटर्स ऑयल होते हैं जो अपनी स्किन पे अप्लाई करते ही आपकी स्किन काली पड़ने लगती है, साथ ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है। बट ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं अगर आप यूज करते हो तो आपकी स्किन ना ही काली पड़ेगी और ना ही आपकी स्किन डैमेज होगी, ना ही आपकी स्किन डल होगी। इसको लगाते ही आपकी स्किन दिन भर दिन निखरते जाएगी, साथ ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपकी स्किन पे आप देखना एक अलग सा ग्लो आ जाएगा। इस क्रीम को मैं 1 टाइम ही बना रही हूँ, आप चाहे तो 1 वीक के लिए इसे बना करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे डेली बनाओ और फ्रेश यूज करो, इससे क्या होगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ 1/2 टीस्पून ले रही हूँ ग्लिसरीन, मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के 1 कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल यूज कर रही हूँ। अगर आप इसे 1 वीक के लिए यूज कर रहे हो तो आपको स्टोर कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, तो आपको करना क्या है, 2 से 3 चम्मच आपको ग्लिसरीन लेनी है, उसमें 3 से 4 आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है और फिर 1 से 1.5 चम्मच आपको एलोवेरा लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस। 1 टाइम के लिए इतना क्रीम इनफ है, वेस्ट क्यों करना ज्यादा। ग्लिसरीन आपकी स्किन को निखारती है, आपकी स्किन को ब्राइट भी बनाती है, साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और प्लस आपकी स्किन में अगर एंटी एजिंग है तो उसको भी हटाती है, अगर रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, डार्क सर्कल है तो उसको भी हटाती है, विटामिन ई भी आपकी स्किन से डार्क सर्कल को हटाती है, हाइपर पिगमेंटेशन को हटाती है, साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। एलोवेरा का तो क्या कहना है, एलोवेरा तो मल्टीपल यूजेस है, आपकी स्किन को जितना बेहतर एक एलोवेरा जेल बना सकती है उतना कोई नहीं बना सकता है। तो चलिए इस क्रीम को यूज कर लेते हैं। एक बात याद रखना, आप जब भी इस क्रीम को यूज करो तो आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए,
डेली आप यूज कर सकते हो नाइट में, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।